हाजी दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे स्मार्टफोन जो आपको मिलते हैं 20,000 से 25,000 रुपए वाले प्राइस सेगमेंट में। तो अगर आपका भी बजट है 20 से 25,000 रुपए के आसपास, जनवरी 2022 के महीने में आप अपने लिए एक अच्छा बढ़िया और परफेक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना, डेफिनेटली आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहने वाला है। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको बता देता हूं भाई कि 5, 4, 3, 2, 1 की गिनती हमारे चैनल पर नहीं होती है। पांच स्मार्टफोन बताऊंगा, पांचों स्मार्टफोन तगड़े स्मार्टफोन है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपके हिसाब से पांचों में से कौन सा स्मार्टफोन फिट रहता है। बिना किसी तरीके फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, और हमेशा की तरह अपनी परंपरा को फॉलो करते हुए बात करते हैं नॉन चाइनीज ऑप्शन की। यहां पर मैंने पिक किया है सैमसंग गैलेक्सी F62 को। ये जो स्मार्टफोन है प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया आपको मिलती है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलता है, फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन है, सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले दिया गया है एंड सुपर एमोलेड पैनल यहां पर आपको मिलता है। 60 हर्ट्ज के नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है। परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग एक्जिनस 9825 चिपसेट मिलता है जो कि फ्लैगशिप ग्रेड का चिपसेट है। डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको मस्त देता है, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है, तो परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें भाई, तो कैमरा सेटअप इस फोन के अंदर आपको बहुत अच्छा मिलता है। चार कैमरास पीछे की तरफ है, 64+12+5+5 मेगापिक्सल्स के चार कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल एंड कैमरा आउटपुट दोनों इस फोन के काफी बढ़िया है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें भाई, तो बैटरी नहीं है, बैटरा भी नहीं है यहां पर, तो बड़ा सारा बैटरा दिया गया भाई। 7000 mAh का बैटरा यहां पर आपको मिलता है एंड 25W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 25W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। बैटरी मॉड्यूल बहुत अच्छा है, बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिल जाता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक मिलता है एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड 6GB+128GB वाला वेरियंट आपको मिलता है 23999 में। तो नॉन चाइनीज फोन अगर आपको लेना है, सैमसंग गैलेक्सी F62 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं गेमिंग करने वालों की। अगर आपको सॉलिड वाली गेमिंग करनी है भाई, तो आईकू Z5 से बेटर ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता है। आईकू Z5 रिसेंटली लॉन्च किया गया है, प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले दिया गया है, आईपीएस एलसीडी पैनल यहां पर आपको मिलता है, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी गेमिंग के लिए बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट मिलता है जो कि बढ़िया आपको डे टू डे की परफॉर्मेंस देता है और गेमिंग भी आपको बहुत अच्छी करा देता है। उसी के साथ में यहां पर आपको LPDDR5 RAM मिलती है एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज दिया गया है, तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस यहां पर आपको टॉप नॉच मिलती है। कैमरास की अगर बात करें, तो डिसेंट सा कैमरा सेटअप है। 3 कैमरास पीछे की तरफ है, 64+8+2 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं, 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलता है। कैमरा मॉड्यूल एंड कैमरा आउटपुट दोनों यहां पर आपको डिसेंट मिल जाते हैं, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। 5000 mAh की बैटरी दी गई है, बैटरी का साइज सही है, 44 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, 44 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। बैटरी मॉड्यूल एंड बैटरी आउटपुट मतलब बैटरी बैकअप दोनों यहां पर आपको बढ़िया मिलते हैं। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक मिलता है एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड 8GB+128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 23,990 रुपीज में। तो गेमिंग अगर आपको करनी है बढ़िया वाली, तो आईकू Z5 की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं उन लोगों की जिनको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, अपने फोन में जिनको UI पसंद नहीं है, ब्लोटवेयर पसंद नहीं है, एड्स पसंद नहीं है, वो लोग जा सकते हैं मोटोरोला की तरफ से आने वाले मोटो एज 20 फ्यूजन की तरफ। बढ़िया स्मार्टफोन है, प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, ग्लास फ्रंट दिया गया है, 6.7 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में 10 बिट का एमोलेड पैनल यहां पर आपको मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत सही है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। डिस्प्ले में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U चिपसेट दिया गया है जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देता है, गेमिंग भी आपको अच्छी करा देता है, 5G चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें, तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है, 108+8+2 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल एंड कैमरा आउटपुट दोनों इस फोन के बढ़िया हैं, कैमरा मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आने वाली है।
5000 mAh की बैटरी यहां पर आपको दी गई है। 30 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 30 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आता है। बढ़िया फोन है। वेरिएंट की अगर बात करें तो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 20,999 रुपए में। तो स्टॉक एंड्रॉइड वाला अगर आपको फोन लेना है अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में तो मोटो एज 20 फ्यूजन की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। आगे चलते भाई, बात करते हैं उन लोगों की जिनको गुड लुकिंग फोन लेना है या अच्छे कैमरा वाला फोन लेना है। तो यहां पर मैंने पिक किया है वीवो की तरफ से आने वाले वीवो V21e को। थोड़ी सी स्ट्रेंज चॉइस आपको लग सकती है लेकिन ये जो स्मार्टफोन है केवल उन लोगों के लिए है जिनकी मेन प्रायोरिटी है गुड लुकिंग फोन। फोन की अगर बात करें तो दिखने में अच्छा है। प्लास्टिक बिल्ड पर आता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। 6.44 इंचेस का डिस्प्ले है। फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन मिलता है। एमोलेड पैनल यहां पर आपको दिया गया है जो कि 60Hz के नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। तो डिस्प्ले पैनल यहां पर आपको डिसेंट मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 चिपसेट यहां पर आपको मिलता है जो कि आपको डे टू डे की परफॉर्मेंस अच्छी दे देता है। डिसेंट गेमिंग भी करा देता है तो परफॉर्मेंस में आपको ज्यादा शिकायत यहां पर नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो दो कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है। 64+8 megapixels के दो कैमरास आपको पीछे की तरफ दिए गए हैं एंड फ्रंट में आपको 32 megapixels का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल एंड कैमरा आउटपुट इस फोन के बहुत अच्छे निकल के आते हैं। तो कैमरा ओरिएंटेड फोन लेना है तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। बैटरी की अगर बात करें तो 4000 mAh की बैटरी यहां पर आपको दी गई है। 44 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 44 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट है। 3.5 mm जैक भी यहां पर दिया गया है एंड उसी के साथ में यहां पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है एंड 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 24,990 रुपए में। तो केवल और केवल गुड लुकिंग फोन अगर आपको लेना है विद अ डिसेंट कैमरा सेटअप, वीवो V21e की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। और हमेशा की तरह लास्ट में बात करते हैं एक अल्टीमेट ऑलराउंडर फोन के बारे में। यहां पर मैंने पिक किया है Xiaomi की तरफ से लॉन्च किए गए Xiaomi 11i को। ये वाला जो स्मार्टफोन है फुल ग्लास बिल्ड पर आता है। ग्लास फ्रंट, ग्लास बैक आपको मिलता है। एंटी ग्लेयर मैट ग्लास पीछे की तरफ है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको फ्रंट मिलता है। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन है। सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। डिस्प्ले पैनल बहुत सही यहां पर आपको मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 चिपसेट यहां पर आपको मिलता है जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको मस्त देगा, गेमिंग भी आपको मस्त करवा देगा। तो परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो तीन कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है। 108+8+2 megapixels के तीन कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं। फ्रंट में आपको 16 megapixels का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल यहां पर आपको बढ़िया देखने के लिए मिलता है। कैमरा में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। बैटरी की अगर बात करें 5160 mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलती है। बैटरी का साइज सही दिया गया है। 67 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 67 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है। 3.5 mm जैक दिया गया है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 24,999 रुपीस में। तो अगर आपको एक अल्टीमेट ऑलराउंडर फोन लेना है Xiaomi 11i की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो भाई ये थे 5 ऐसे स्मार्टफोन जो आपको मिल जाते हैं 20,000 से 25,000 वाले प्राइस सेगमेंट में और जनवरी 2022 के महीने में आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। मैंने मेरी तरफ से आपको 5 स्मार्टफोन बताया भाई, तगड़े स्मार्टफोन है। अब आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना कि एक स्मार्टफोन खरीदते टाइम आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है एंड इन पांचों में से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना आप पसंद करेंगे या फिर किसी और स्मार्टफोन की तरफ देखना पसंद करेंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।